झारखंड में एनडीए की हालत खराब हो गई है। जदयू ने पहले ही 81 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुका था, अब एलजेपी ने भी 51 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और इधर बीजेपी और आजसू के बीच तकरार बरकरार है। आज एक बार फिर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी निराशा जताई है और कहा है कि बीजेपी ही नहीं चाहती कि यह गठबंधन हो। इस वक्त इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव हैं। प्रतुल जी, आखिर बीजेपी की ऐसी स्थिति झारखंड में क्यों? पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, हमारे और आजसू के बीच में कोई तकरार नहीं है। ना तो आपने उनके नेताओं के तीखे बोल हमारे लिए सुने, ना हम लोगों ने कभी तीखे बोल उनके लिए कहे हैं। हमारा स्वाभाविक अलायंस है। हाँ ठीक है, उनकी स्वाभाविक इच्छा है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा विधायक और सांसद बनकर आएँ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए अंतिम निर्णय लेगी पार्टी का प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व। तो मुझे लगता है जो अंतिम व्यक्ति के विकास का एजेंडा हमारा और उनका कॉमन है, रघुवर जी ने जो विकास की लंबी लकीर खींची है उसे सुदेश जी बढ़ाने में मदद करेंगे। क्या कहेंगे, राजनीतिक प्यार? नहीं, राजनीतिक प्यार नहीं, ये समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए सकारात्मक सोच कहेंगे इसे। लेकिन चार ऐसे विधानसभा सीट का उन्होंने अनाउंस किया उम्मीदवारों का, जिसका पहले ही आप लोगों ने घोषणा कर चुका था, तो अब तो दो ही ऑप्शन है, या तो समझौता हो या फिर दोस्ताना हो। नहीं, दोस्ताना संघर्ष नहीं, हमारे यहाँ जब भी अलायंस होगा कॉम्पैक्ट अलायंस होगा, दोस्ताना संघर्ष की कोई गुंजाइश नहीं है। और नाम वापसी के दिन तक बहुत सारी आशाएं रहती हैं। वो लोग कह रहे हैं कोई बातचीत नहीं कर रहा है, आप लोग कुछ टेबल पर बैठकर बात होनी चाहिए, मीडिया से बात होनी चाहिए। देखिए, जब दो स्वाभाविक अलायंस पार्टनर्स होते हैं ना, तो उनमें बातचीत का क्रम तो बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। उन्होंने अगर कुछ अपने दावे दिए, और हम ग्राउंड रियलिटी पे चाहते हैं कि सिर्फ सीटों के नंबर देने से नहीं होता, ग्राउंड रियलिटी क्या होती है उसे भी चेक करके जरूर लड़ना चाहिए। और विकास है हमारा एजेंडा, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी क्या कमजोर है आजसू? नहीं, बिल्कुल नहीं कमजोर है, वो तो हमारे सबसे पुराना सहयोगी है। और हमने गिरिडीह जैसी सिटिंग सीट उसके लिए दी थी और उसने भी बहुत अच्छे मार्जिन से जीती थी। तो ये परस्पर हम लोगों का जो अंतिम व्यक्ति के लिए सोच है ना विकास का, ये दिखाता है। बातचीत का जो समय है वो बचा हुआ है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो रघुवर जी का विकास का सोच है, कहाँ झारखंड एक बीमारू राज के रूप में जाना जाता था और कहाँ आज हमारे अव्वल नंबर है, विकास की बात करें या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, लेबर रिफॉर्म्स की बात करें, तो मुझे पक्का यकीन है कि आज तो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के लिए जरूर। तो इन सबों की बात ही नहीं कर रहा है, वो तो कह रहा है कि हम सत्ता में रहते हुए प्रमुख विपक्षी दल की तरह हमेशा बात करते रहे, और अभी तो शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो आपकी खामियां और। देखिए, उनके मंत्री हमारे कैबिनेट के मंत्री थे और सारे सरकार के कलेक्टिव निर्णय में उनका भी हाथ था। हाँ, इस बात को हम बताते हैं कि हमारा गठबंधन जो विपक्षी गठबंधन है उससे कैसे भिन्न है, कि अगर हमारे सहयोगी दलों को लगता है कि कहीं बेटरमेंट की गुंजाइश है तो ऑप्शंस हमेशा खुले रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है साहब, हमारे यहाँ कांग्रेस और जेएमएम की तरह ऑटोक्रेटिक रूल नहीं है। अच्छा, अब नहीं लग रहा कि 65 प्लस का जो नारा दिया गया था आप लोग आजसू के भरोसे दिए? देखिए, हमारा जो 65 प्लस का नारा था ना, वो ग्राउंड रियलिटी को चेक करते हुए था। जिस तरीके से हमारा संगठन है, हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, झारखंड में सारे विपक्षी दलों को मिला लें फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन हम अपने पुराने विश्वस्त सहयोगियों को लेकर चलते हैं। लेकिन अपने पर भरोसा अब शायद नहीं रहा, न प्रधानमंत्री मोदी पर, न सीएम रघुवर दास पर, न बीजेपी के कामकाज पर। यही वजह है कि एक छोटी सी पार्टी, स्थानीय पार्टी के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी, जो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अपना ऑरा है, और उस हिसाब से देखा जाए तो आप लोग एक तरह से गिड़गिड़ा ही रहे। कल भी मैंने कहा था और आज भी कह रहे हैं। दो पुराने सहयोगियों के बीच जब बातचीत होती है ना, उसे गिड़गिड़ाना नहीं कहते, ये दिखाता है एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट। ना उनके नेताओं ने हमारे ऊपर कुछ कहा, ना हमें उनके ऊपर कह रहे हैं। देखिए, हमारे वो पुराने साथी हैं, हमारे वो गर्दिश के दिनों के साथी हैं, जिस समय भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से इस्टैब्लिश नहीं हुई थी। प्रतुल जी की कह नहीं रहे हैं, लेकिन चार उम्मीदवार आपके ही सीट पर उतार देना, पहले से जहां पर आप उम्मीदवार दिए, अब कुछ कहने के लिए बाकी रहा आपको लगता है? नामांकन वापसी के दिन तक काफी स्कोप्स रहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि रघुवर जी के विकास के एजेंडा को आगे बढ़ाने में सुदेश जी का सकारात्मक सहयोग मिलेगा। बुला रहे हैं? नहीं, हम बुला नहीं रहे, हम तो साथ ही रहे हैं, कब अलग हुए हैं। भले ही सीटों की बात को लेकर कुछ अभी चल रहा हो, गतिरोध ऐसा प्रतीत हो रहा हो, लेकिन आंसू हमारा पुराना और नैसर्गिक कहलाई है और हम साथ हैं। ये थे बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी भी आजसू उनका गठबंधन का साथी रहा है और अभी बातचीत का दौर जारी है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, दिनों में या फिर कहीं कुछ समय में, क्योंकि झारखंड की राजनीति इस वक्त पल पल बदल रही है और कब क्या कुछ हो जाए कहा नहीं जा सकता। अपने सहयोगी संजय के साथ सनी सारद, दैनिक न्यूज़ रांची।